हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आता करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज है गुरुवार, मैंने बुधवार को कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, आज गुरुवार है। और अभी समय हो रहा है 9:15, और अभी मैं आई हूँ किचन, 10 बजे इनको ऑफिस जाना है। देखते हैं अब हम क्या क्या बना पाते हैं, कितना जल्दी और क्या कर पाते हैं। तो चलिए काम को शुरू करते हैं। काम को शुरू करने से पहले आप लोग जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको मेरा ये मेहनत कैसा लग रहा है। और मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी भी नहा कर आई हूँ, नहाने से तो 1 घंटा हो गया है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं किचन आई हूँ। कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो कि निपटाना था, कुछ कपड़े वगैरह भी धुलने थे अभी, तो थोड़ा सा लेट तो हो गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब किचन के काम में लगते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चना और मूंग को मैंने पानी में रात भर भिगोया था, और शाम को फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कितना अच्छा अंकुरण इसमें आता है, बिल्कुल अंकुरित हो जाता है, जो कि डाइट प्लान के तहत इसको अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। इधर मैंने अरहर के दाल को तेल में अच्छे से भून लिया है, और मैं इधर गैस पर दूसरे साइड में दाल को चढ़ा दूँगी और इंडक्शन पर चावल डाल दूँगी, क्योंकि मुझे अभी 25 से 30 मिनट के अंदर खाना बनाना है। और मेरे हस्बैंड को गीला सब्ज़ी पसंद होता है, लेकिन आज मैं भुंजिया ही बनाऊंगी सूखी सब्ज़ी। तो मैं देखती हूँ अब एक सब्ज़ी बना पाती हूँ या 2 सब्ज़ी बना पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को इधर चढ़ा दिया है, नमक हल्दी डाल दिया, टमाटर पहले से ही कटा हुआ था जिसको कि डाल दिया, और अभी जो मैंने गैस ऑन किया है, अब मैं गैस को बंद करूंगी ही नहीं, और तब तक नहीं करूंगी जब तक कि पूरा खाना कंप्लीट नहीं हो जाता है। आप लोग देखिएगा इधर दाल चढ़ा दिया, उधर जो कढ़ाई चढ़ी हुई थी वो चढ़ा ही रह गया, गैस भी खुला हुआ है, कम कर दिया है हमने। और इतना इधर मैंने वो जिसे हम लोग ककौरी कहते हैं, नहीं तो उसको चठैल भी कहा जाता है, उसको काट लिया, उसमें कढ़ाई में तेल डाला और सूखा मिर्च जिसको लाल मिर्च कहते हैं, पचफोरना, हींग डाला, और इसको देकर मैं चला दूंगी। अगर आपके पास समय है तो आप इसको बिना ढके पकाना है, आपको काफ़ी क्रंची बनता है और थोड़ा अधिक तेल इसमें लगता है, लेकिन मेरे पास अभी समय का अभाव था इसीलिए मैं उसको 1-2 बार ढक कर पकाऊंगी। और उधर मैंने टोकरी में सारी सब्ज़ी को रख दिया, और एक सब्ज़ी मैं सोचती हूँ भिंडी भी बना लूँ, तो जितना भिंडी मुझे चाहिए था उतना मैं काट लूँगी, और बीच बीच में सब्ज़ी को जो ये हमारा भुंजिया है इसको चलाती रहूँगी। और इधर कुकर में अब लगता है सीटी देगा, पता नहीं क्यों अटक रहा है। तो जैसे ही दाल कंप्लीट हो जाता है, आप देखिएगा फिर हम इसी कढ़ाई पर बिना दाल के गैस को बंद किए हुए भिंडी का भुंजिया बनाएंगे। बिल्कुल हम अपना समय किचन में कम लगाते हैं, बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक काम को हर हमेशा निपटाने का प्रयास करते हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। इससे होता क्या है, हम और भी तरीके के अन्य काम को कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि घर को समेटना, घर को तैयार करना, हर जगह आप जिस क्षेत्र में एक दिन काम करना छोड़ देंगे उसी क्षेत्र में आपका काम बढ़ जाएगा। तो चारों तरफ ध्यान देना होता है, अगर आपके पास कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। तभी तो मेरा जो बाबू है वो तो बिल्कुल उसका अभी स्टार्टिंग स्टडी है, लेकिन पढ़ना होता है जो भी होमवर्क वगैरह आता है। तो यहाँ पर मैंने चठैल में फिर से नमक हल्दी डालकर एक बार ढक दिया था, और अब मैं क्या करूँगी, दाल को मैंने उतार दिया और दूसरी कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल और जो भी तड़के के लिए डालना था डाल दिया, और भिंडी में इधर मैंने छौंक लगा दी, और उधर जो हमारा ककौरी है उसको मैं बिल्कुल एक एक करके स्प्रेड कर दूँगी, बिल्कुल अलग अलग, ताकि कम समय में जल्दी से वो पक जाए। और काफ़ी टेस्टी बना था, और आप देख रहे हैं मेरा दाल बन गया, एक सब्ज़ी उधर पकने को है, दूसरा सब्ज़ी भी पक ही जाएगा, लेकिन मैंने गैस बंद नहीं किया है, और उधर इंडक्शन पर मेरा चावल भी हो गया। और ईमानदारी पूर्वक जैसे 9:15 से मैं काम में लगी थी, उनको 9:45 बजे निकलना था, और 25 मिनट में मेरा सारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं 3-3 जगह खाना शुरू कर दिया, 3-3 गैस, ये 2 इधर हो गया, 1 इंडक्शन हो गया, तो इससे क्या होता है मेरा काफ़ी समय बच जाता है, और दूसरे तीसरे काम को भी करते हैं। आप लोगों में से जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, किस तरह का वीडियो चाहिए आपको, जो भी वीडियो होगा बिल्कुल ट्रिक के साथ होगा। और अब देखेंगे आप कि लगभग मेरा भिंडी भी आधा पक गया है, और उधर ककोरी भी पकने को है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही भिंडी पक जाता है और ककोरी, भिंडी को अब दोनों पक गया है, और देखेंगे दोनों कितना क्रंची है,
ककोरी भी काफ़ी अच्छा पका था और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च डाला था। अब जब मैंने भिंडी को उतारा तो फिर भी गैस बंद नहीं किया और इसी में मैंने दाल के तड़के के लिए तेल चढ़ा दिया। अब मैंने यहाँ पर ककोरी उतारा तो उधर भी गैस को बंद नहीं किया और जल्दी जल्दी मैं पापड़ सेक लूँगी। दो पापड़ मैंने सेका था और इधर तब तक ये दाल के लिए तड़का भी तैयार हो जाएगा। और एक बार मैंने गैस ऑन किया तो सारा काम कंप्लीट कर दिया और पापड़ पकते ही मेरा खाना तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं आटा मिलाकर जब तक ये खाना खाएंगे तब तक इनके लिए मैं टिफ़िन तैयार कर दूँगी। बाबू भी नाश्ता कर लिया क्योंकि 9:30 के आसपास हो रहा है, अभी तो 9:45 भी हो रहा होगा। मैंने अभी घड़ी नहीं दिखाया लेकिन आधा घंटा तो लग ही गया होगा। और काम के दौरान सारे बर्तन को जमा भी करती जाती हूँ। कोई भी काम बिल्कुल ट्रिक से करिए, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। काम तो हर कोई करता है लेकिन ट्रिक से करने के बाद आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपके सर में चिंता, कभी कभी मानसिक तनाव जो होता है वो भी टेंशन होता है कि ये काम मुझे करना है। लेकिन अगर आप लगे हाथ करते जाएंगे धीरे धीरे तो फिर आपको ये बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी। तो हमने इधर पापड़ भी पका लिया है और इधर अब दाल में तड़का भी लगा लेंगे। इस तरह से दूसरा पापड़ मैंने रखा और उसके बाद खाना लगाएंगे। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने आ जाइए। और लगभग समय अभी 9:40 हो रहा है। तो इस तरह से मेरा खाना तैयार हो गया है। खाना तैयार होने के बाद देखेंगे आप, मैंने खाना लगा दिया है। खाना तैयार होने के बाद इनको मैं खाना दे दूँगी। उसके बाद मैं सारे बर्तन को जमा करके, बर्तन को अभी नहीं धो लूँगी क्योंकि मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करना है, तो बर्तन को अभी छोड़ दूँगी, ये निकल जाएंगे। बाबू भी नहा लिया है और अभी जो मैं बर्तन धुलने आई हूँ ये समय हो रहा है लगभग 1:45 या 2, तो आप समझ सकते हैं 3 से 4 घंटे बाद मैं किचन आई हूँ। 10 बजे के आसपास निकली थी, दूध वगैरह सब कुछ गर्म करके मैं 10 बजे के आसपास किचन से निकल चुकी थी। तो 4-5 घंटे में मैं किचन आई हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊँगी जो चना और मूंग मैंने भिंगोया था उसको बिल्कुल टाइट से ढक के रख दिया था और 4 घंटे में किस तरह उसमें वो अंकुरित हुआ है आपको देखकर आश्चर्य लगेगा। कई जगह ये ट्रिक बताया जाता है, आप ऐसे प्लास्टिक में रखिए, इसमें रखिए, उसमें रखिए, लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो अंकुरित हुआ है। तो ये 2 बजे के आसपास मैं उधर अपना बहुत सारा काम निपटा कर आई हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ 11 से 3:30 बजे तक समय मेरा हो, क्योंकि 4 बजे से सीरियल वगैरह में ध्यान लग जाता है, फिर झाड़ू वगैरह देना होता है और मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और मेरे किचन में 2-3 परेशानी है, आप देखते हैं, अगर कैमरा को इधर घुमाऊंगी तो खिड़की से रोशनी आती है, बिल्कुल धुंधला सा दिखने लगता है। और ये किचन की खिड़की, इसको कैसे साफ़ करूँ समझ में नहीं आता है। बहुत साफ़ करती हूँ लेकिन ये बिल्कुल जो वाइट ग्रिल का कलर था ये बिल्कुल काला हो गया है। पता नहीं पेंट कर सकते हैं नहीं, यहाँ तो परमिशन लेना होता है हर चीज़ का। और इस तरह मुझे ये सारा बर्तन धोने में लगभग 13 मिनट का समय लगा था, मैंने तो आपको बिल्कुल फास्ट में दिखाया। और खिड़की के बाहर ही मैं वो स्क्रब वगैरह सूखने के लिए दे देती हूँ। और उधर मेरा स्लैब्स जो है पूरा पोछा हुआ है, लेकिन टिफ़िन के लिए जो रोटी बनाया था उसके लिए मैं तवा चढ़ा हुआ ही छोड़ दी हूँ कि हो सकता है आधे घंटे में बाबू अगर रोटी के लिए बोले तो आटा मिला हुआ फ्रिज में है, मैं बना दूँगी। उधर कुछ दूध रखा हुआ है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैंने मूंग और चना भिंगोया था, और ये काफ़ी लाभदायक है, आप किसी भी स्थिति में खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, ये देखिए। और उसके बाद इधर भी मैंने दूध चढ़ा दिया है जो आज आया था। और ये अब शाम के लगभग 5:15 हो रहे हैं, मैं बालकनी आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह और शाम में बालकनी में गुजारना। और मेरे सामने में इसी तरह के वृक्ष हैं कुछ, और आगे बिल्कुल खाली खाली है, साइड में भी वृक्ष है। और आप देखेंगे अभी तो हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है। और इधर जो सुबह मैंने पोछा किया था, रोज़ पोछा को इस तरह साफ़ करके मैं बालकनी में डाल देती हूँ, तो कुछ कपड़ा था जो कि मैंने धोया था, तो अभी मैं सारे कपड़े को डाल दूँगी बालकनी में। और इतनी तेज़ हवा थी कि कपड़ा बिल्कुल लग रहा था कि उड़ जाएगा, कपड़ा डालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा तेज़ हो गई थी। और मुझे लगा अभी ही मैं कपड़ा डाल देती हूँ इसी हवा में सूख जाए, तो सबसे पहले मैं पोछा उठाकर अंदर कर दूँगी। कोई चीज़ आप खरीदिए तो उसका थोड़ा सा केयर अगर करिएगा तो वो अधिक दिन तक चलता है। और बालकनी का स्थिति देख रहे हैं, बारिश हुई थी तो ये बार बार गंदा हो जाता है, बार बार पूछना पड़ता है, गंदा हो जाता है, बार बार पूछना पड़ता है। और कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, कल जो मैं फास्ट करती हूँ, संतोषी माता का व्रत करती हूँ फ्राइडे का, वो मैं दिखाऊँगी। और मैंने अपने मंदिर को किस तरह से डेकोरेट किया है इस लॉकडाउन में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग भी घर में कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और मैं बार बार छत की तरफ देख रही हूँ, ऊपर से पाइप से पानी गिर रहा है, छत का जमा पानी है जो कि नीचे गिर रहा है, तो मैं देख रही हूँ कहीं कपड़े पर न पड़ जाए। और कपड़े डालने के बाद
बाबू भी बालकनी में ही अभी छोटा वाला चेयर लगा के बैठा है और कपड़े डालने के बाद इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैं यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक बैठूँगी, थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ इधर उधर देखूँगी और उसके बाद मैं मोबाइल को रख कर बिल्कुल आराम से, मैं बिल्कुल अकेले इस तरह बैठती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर किया है अपने दूसरे चैनल पर कि अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए तभी आप आगे सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आधे घंटे तक बैठी थी सारे कपड़े को डालकर, और जब अंदर जाने लगी तो सारे कपड़े को उठाकर अंदर ले गई थी क्योंकि बारिश होने होने को था। तो आज इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि आपको और क्या देखना है। आपसे मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।